बिल्कुल गोल गोल जैसे बेलन से बेला गया है। और अब चलते हैं, इसकी पत्तियां हटा लेते हैं और देखिए किस तरह लग रहा है देखने में। ये बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो इसी तरह सफा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम यहाँ किचन से ही शुरुआत कर दिए हैं वीडियो। तो चलते हैं, आज मक्के के आटे का रोटी बनाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। तो मक्के का आटा का रोटी बहुत पसंद है इन सबको। तो दोस्तों, इसके साथ में सरसों का साग भी होना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा लगता है खाने में। तो इस समय तो सरसों का सीजन है नहीं, तो हम चल रहे हैं आटे को गूंथते हैं। हाँ, तो अंजलि भी बोल दिए हैं। जो भाई बहन चैनल पे नए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और दोस्तों, अब चलती हूँ मक्के का आटा गूंथती हूँ। तो थोड़ा गुनगुना पानी करके इसको गूंथना चाहिए, लेकिन ये मक्का बहुत बारीक पिसवाए हुए हैं तो हम गुनगुना पानी में नहीं गूंथेंगे। तो दिखा दो चंदन। तो दोस्तों, आप देखे होंगे मैं मक्के को अच्छी तरह से झुलवा ली थी, सुखा ली थी मतलब, और बहुत आटे की तरह ही पीसा गया है, लेकिन फिर भी इसका आटा खुर्द होता है, ये टूटने लगता है बनाने पे। तो देखिए, हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मक्के के आटे को गूंथ रहे हैं। और अभी हम बनाएंगे जिस तरह हमारी नानी दादी बनाया करती थी मक्के की रोटी, उसी तरह बनाएंगे। और मैं देखती थी कि किस तरह बनाती थी, कई बार हम सब भी साथ में बनाया करते थे। तो देखिए दोस्तों, हम लगभग मक्के के आटे को गूंथ लिए हैं और थोड़ा ये सूजी की तरह पानी पीता रहता है, तो इसी तरह थोड़ा हम गीला गूंथेंगे, और ज़्यादा गीला भी नहीं रहेगा, नहीं तो ये बनेगा नहीं सही से। तो अब हम मक्के के आटे को एकदम इकट्ठा कर लीजिए, जिस तरह गेहूं के आटे को इकट्ठा किया जाता है। तो ये पेवर मक्के का आटा है दोस्तों, इसमें कोई चीज मिलावट नहीं है, जैसे गेहूं का आटा या कोई ज्वार बाजरा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, मक्के का आटा गूंथ ली हूँ, अब चलते हैं बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं गैस को जला लेते हैं और रख देते हैं तावा को। तो तावा को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो दोस्तों, ये बेलन से रोटी नहीं बनेगा। और यहाँ देखिए, अरबी का पत्ता ली हूँ, तो अरबी का पत्ता थोड़ा सा तोड़ देंगे, इतना पत्ता मैं निकाल दी, नहीं सही से रोटी नहीं बनेगा। तो एक और ले लेते हैं डबल पत्ता, तो ये रोटी बनेगा। तो हम चौके पे रख लिए हैं मक्के को। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह हम इसको फैलाते जाएंगे, रोटी का आकार देंगे। लेकिन दोस्तों, ये पतला भी नहीं बनेगा, हम तो नहीं बनाए हैं पतला, मक्के के रोटी पतला बन ही नहीं सकता। वैसे कोशिश करने पे बनेगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा, थोड़ा रोटी मोटा रहेगा तभी अच्छा खाने में भी लगेगा और बनाने भी में भी लगेगा। तो देखिए, हम पतला कर लिए हैं, तो ये रोटी के आकार में मैं बना दी हूँ, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो हम दूसरा पत्ता लेते हैं, इसको ढक देते हैं। देखिए कुछ इस तरह, हमें उठाने में दिक्कत भी नहीं होगा मक्के का रोटी बनाने के लिए। तावा पे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तावा हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। दूसरा भी ले लिए हैं, दो पत्ता रख लिए हैं, एक रोटी के बराबर, उससे ज़्यादा है थोड़ा मक्का का आटा। तो देखिए कुछ इस तरह हम फैलाते जाएंगे, ये देखिए। तो दोस्तों, ये हम एक साइड पलट देते हैं, देखिए पलट। तो दोस्तों देखिए, हम ये दूसरे साइड पलट दिए हैं, तो मक्के की रोटी थोड़ा पक और अच्छी तरह से पक जाए, हम थाली से ढक के इसको दो तीन मिनट तक पका लेंगे। तो हम पकाते हैं और दूसरा रोटी बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, हम दूसरा भी बना दिए हैं, इधर दिखा दो चंदन। तो देखिए दोस्तों, दूसरा भी रोटी हमारा बनके तैयार हो गया है। तो दूसरा भी पत्ती लेते हैं, इसको तोड़ते हैं
और इसी पे चिपका देंगे। देखिए ये भी हमारा तैयार हो गया। और इसी पत्ती से थोड़ा एक लेयर और रख देते हैं ताकि ये जले ना। तो अब चलते हैं इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये अरबी का पत्ता जो है जल गया, तो रोटी नहीं जली होगी दोस्तों, ये रोटी पक गया होगा। देखिए कुछ इस तरह है। फिर वापस हम इसको ढक देते हैं। तो दोस्तों मक्के का रोटी बनाने के लिए करीब एक रोटी बनाने के लिए 4 मिनट लगेगा, तभी मक्का का रोटी जाकर पकेगा। तो बहुत आसानी से ये रोटी गोल गोल और बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा, बीच में कच्चा भी नहीं रहेगा और बिना तेल बिना फ्राई किए रोटी बनके तैयार हो जाता है। तो दोस्तों हमारा रोटी बनके तैयार हो गया है और पत्तियां बिल्कुल झुलस गई हैं, रोटी बीच में बिल्कुल लाल हो चुका है। तो अब हम इसको उतारते हैं और इसका कच्चापन बिल्कुल नहीं है, तो अब निकाल के हम रख देते हैं इसमें सूप में। तो नज़दीक से दिखा रहे चंदन। तो देखिए दोस्तों तावा में देखने में ये पत्तियां अजीब लग रहा है, और जितना ये पत्तियां ये जलेगा और वो पकेगा छोड़ते जाएगा। और हम इसको अब रोटी को निकाल लेते हैं। तो हम रख दिए हैं देखिए सूप में, और ये पत्तियां गिरता रहेगा थोड़ा। देखिए कितना अच्छे से ये पका हुआ है और बहुत आसानी से ये पत्तियां छूट भी जाएगा, तो ये इसका रोटी जलेगा भी नहीं। देखिए ये पत्तियां हम निकाल देंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो हमारा एक रोटी बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों दूसरा रोटी उठाते हैं। देखिए ये लग ही नहीं रहा है कि रोटी है, तो फोल्ड कर देते हैं पत्तियों को और इसी में रख देते हैं। तो दोस्तों दूसरे रोटी को हम एक साइड पलट के और ढक दिए हैं। तो आज हम आप सबको बहुत आसान तरीके से मक्के का रोटी बनाना बता रहे हैं। शायद हमारी कई बहनें जानती भी होंगी कि इस तरह भी मक्के की रोटी बनता है। तो दोस्तों वैसे मक्के का रोटी बनाया जाता है जब, तो बहुत आसानी से पलटा नहीं जाता है, टूट जाता है और बहुत दिक्कत आता है मक्के की रोटी बनाने में। और देखिए ये मक्के की रोटी कहीं भी नहीं जला भी नहीं, अच्छी तरह से पक भी गया और कहीं टूटा भी नहीं। और तो दोस्तों हमारा दूसरा भी रोटी बनके तैयार हो गया है, बहुत आसानी से ये रोटी बन जाता है। तो इसी तरह सभी रोटी को बना लेते हैं, फिर आप सबको दिखाते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी खास बात है, आप कद्दू के पत्ते के साथ बना सकते हैं, केले के पत्ते के साथ बना सकते हैं, अरबी के पत्ते के साथ बना सकते हैं और बहुत आसानी से मक्की की रोटी बन जाएगा। इसी तरह बाजरे का भी रोटी बना सकते हैं। तो चलती हूँ सभी रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए मक्के की रोटी बिल्कुल गोल गोल जैसे बेलन से बेला गया है। और अब चलते हैं इसकी पत्तियां हटा लेते हैं और देखिए किस तरह लग रहा है देखने में। ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये मक्के की रोटी बना है। तो चलते हैं ये पत्तियां निकाल लेते हैं और मक्के को तो मक्के की रोटी साफ करते हैं। सबके मुंह में पानी आ गया। अंजलि के गुंजन को मांग रही है, बोल रही है हमको दो खाने के लिए। तो दोस्तों पहले इसको साफ करना पड़ेगा तभी तो खाएंगी। तो अभी चलते हैं, 2-3 मिनट लगेगा, साफ कर लेते हैं और इन सबको खाने को देते हैं और आप सबको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों दो रोटियां हमने साफ कर ली हूँ और चाकू की सहायता से इसी तरह साफ करना है, बहुत आसानी से ये छूट जाएगा। तो अभी हम सभी रोटी को साफ करके आप सबको दिखाते हैं। तो देखिए किस तरह ये निकल जा रहा है। तो देखिए दोस्तों मक्के के आटे का रोटी बनाना कितना आसान है और बहुत अच्छे से पक भी जाता है और बनके तैयार भी हो जाता है, टूटता भी नहीं है, एक भी रोटी टूटी नहीं हुई है। देखिए तो अब चलते हैं बच्चों को दे देते हैं खाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ रोटी को तोड़ देते हैं और सभी बच्चे खाएंगे। तो अभी खाकर बताएंगे कि कैसे बना है। तो दोस्तों इसके साथ सरसों का साग या बथुआ का साग रहता है तो और अच्छा लगता है, और वैसे तो सूखे ही हम सब खाते हैं, हम सबको अच्छा लगता है। तो 10 किलो मैं मक्के का आटा पिसाई हूँ दोस्तों।
तो इसी तरह हमारे यहाँ रोटी बनेगा। उठाओ एक एक खाओ, देखो कैसा लग रहा है। खा लीजिए, आशा कर खा लीजिए, आशा कर खा लीजिए। कैसा लगा अंजलि? अच्छा लगा। तो मक्के का रोटी सब लोग खा रहे हैं सूखा, और सब्जी भी नहीं बनाई हूँ दोस्तों, दाल बनाई हूँ चावल आज भी। दोस्तों सब लोग मक्के का रोटी खाए, सबको बहुत पसंद आया। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आया होगा। मैं खा रही थी बोल रही हूँ ना, इसी तरह हर दिन बनना चाहिए अंजलि। हाँ अंजलि को खाना जरूरी है, अंजलि हमारी दुबली पतली है और शीतल गुंजन थोड़ा ठीक ठाक है, तो अंजलि को रोटी बना के देंगे, गुंजन को, शीतल को, हम सब भी खाएंगे। और आप सब बोलोगे संगीता आपको खाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो वैसे मोटी हूँ। तो हम सब खा चुके हैं और थोड़ा सा बाकी है, अभी खाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का आप सबको मक्का का रोटी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। लाइक और शेयर को, कमेंट को, पुलिस मारो।